हमने वो फोटो खींचा क्या? चलो चले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मेरे लिए एक मदद कर सकते हो क्या? मुझे फोटो खींचने के लिए बुला रहे हैं वहाँ। अंकल मुझे इनविटेशन कार्ड लेने के लिए रखा है। एतराज नहीं है तो आप ले सकते हो क्या? मैं अब भी आई। कहते हैं कि शादी जन्नत में होती है, लेकिन उनकी दावत तो धरती में ही होती है। सर, योर इनविटेशन प्लीज। अच्छा, वो मैं गाड़ी में ही भूल गया, मैं जाके लेके आऊं। हाँ, कोई बात नहीं। लड़की का साइन? हाँ हाँ जी बिल्कुल। ये कौन सा कजिन है? मुझे तो मालूम ही नहीं। लक्ष्मी का कौन है आप? लक्ष्मी के पापा के भतीजे के चाचा के बेटा हूँ मैं, मतलब उनका भाई का बेटा हूँ। बिना बुला के आया है ना? पकड़ा गया। चलो चलो। थैंक्स। अरे यार। क्या? हाँ? डियर सॉरी, आपका नाम क्या है? क्या बिल्डअप देती है? क्या वर्क के फैमिली तरफ से है? हाँ जी। वो लड़के वालों के साइड से है? उसने तो मुझे बताया था कि वो लड़की वालों के साइड से है। क्या रिलेशन होगा? आप वर्क का क्या होता है? लड़का का बाप का, बड़ी माँ का, बेटा का, वाइफ का बेटी। वो भी मेरी तरह ही है और फिर मुझसे पूछ रही थी। ओफ।
हाँ मैं कॉल करता हूँ, ठीक है बाय। ओके शिश। तुम भी तो मुफ्त में खाना खाने के लिए आई थी। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? मुझे पता है एक लड़की हूं मैं, फिर भी क्यों ऐसा काम करती हुए है ना? एग्जैक्टली, बस मजे के लिए कर रही होगी ना? हाँ, वो तो लंबी स्टोरी है। स्टोरी मतलब बहुत पुरानी स्टोरी। जन्म देके माँ बाप रोड में फेंक दिया, वहां से सीधा सेंट मेरीज ऑर्फनेज में पहुंच गए। अभी एक डायलॉग याद आ रही है मुझे, हमारा ऑर्फनेज का रसोई में खाने का वो खुशबू आ रही है ना, ओ बाप रे कितना अच्छा है पता। ओ मेरी नाम क्या बोला तुमने? अजय। ओ मेरी अजय, फिर हमको कुछ भी नहीं देख सकता है, फिर वो खाने के लिए भागना पड़ेगा। मेरे लिए खाना एक टाइम पास नहीं है कभी भी। ओ सब छोड़ो, देखने के लिए बहुत जेंटलमैन दिख रही हो तुम, फिर क्यों ऐसा काम? अरे यार वो एक लंबी कहानी है, बहुत बुरी भी है यार, अब नहीं बोलना है, फिर कभी कहता हूं। मैं कुछ पूछूं क्या? क्या क्या हम एक साथ कर सकते हैं? क्या यही मुफ्त में खाना? हम अकेले जाते हैं तो कभी कभी पकड़े जाते हैं, लेकिन साथ में जाएंगे तो हम एक कपल हो जाएंगे ना? वो तो सही है, साथ में तो चलते चलते सुपर। अरे सुनो, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरी नाम रेवती, ऑडिटोरियम का सामने एक डीटीपी सेंटर है ना, वहां काम करती हूँ। और ये ड्रेस कहाँ से लिया था? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है ना, साथ में रूममेट्स है, ऑफरेन में जल्दी आ गए। जूनियर्स को हम सीनियर्स जगह तो देना है ना, मेरे आधा सैलरी ऑफरेंज को देती हूँ। एक टाइम खाने के लिए पैसा बचाना तो पाप नहीं है, बोलिए ना। अरे कुछ भी तो नहीं, तो फिर हम कल जया ऑडिटोरियम में मिलेंगे, भूलना नहीं। हेलो। देखा तुमने, हम जब साथ में आते हैं कोई नहीं पूछता कि हम इनके साथ कैसे रिलेटेड है। देखा तुमने कैसे बुलाया उसने, सर बुलाया मुझे। हमें देखकर सच में ऐसा है क्या? कैसा? कपल्स का जैसा? काश ऐसा लगता हो। क्या बोला? नहीं मैं बस कह रहा था कि शायद उनको लगता होगा। हमें भी बच्चे होने के बाद शादियां अटेंड करने में बहुत मुसीबत आएगी, पता नहीं कैसे संभालेंगे। हे तो ठीक नहीं है। वो बात भी सही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहर जाके बात करें। और ऐसा ही हुआ था, पूछ रहे हो क्या हुआ था? अरे वही हुआ था, हम एक साथ जाने लगे बस मुफ्त का खाना खाने, लेकिन हम ना जाने हम दोनों का दिल मिल गए। अच्छा अभी भी समझ में नहीं आया, सिंपल शब्द में कहूं तो शी फेल फॉर मी, और भी पावरफुली बोलना है तो वी फॉल इन लव। Thank you.
कल आते वक्त ये पहन सकती हो। अजय कौन है? मैं ही। साइन कीजिए। वो पेन उसको दो। कोई विटनेस नहीं है क्या? नहीं। वो मैंने अरेंज करना पड़ता है क्या? अरे शाहजी मणि आइए यहां। हाँ। अरे एक साइन डालकर मदद करो यार। छोटे बच्चे हैं ना। बहुत दिन के बाद में एक शादी के लिए साइन कर रहा हूं। एक अच्छे काम के लिए है ना, डालो यार। कहाँ जा रहे हो? अरे पास में एक ऑडिटोरियम है, वहां एक बढ़िया शादी हो रही है, चलो चलते हैं। ठीक है, आज भी ऐसा है ना। थोड़ी जगह बनाओ मेरे लिए। शादी के दिन भी? कोई बात नहीं। हे कम ऑन। तो बहुत बड़े शादी दिख रहे हैं। अजय हम साइड। मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन वो तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं था। मेरे माँ बाप के गुजर जाने तक वो एक साथ थे, लेकिन मेरे पापा हमेशा बिजी रहते थे और मेरी माँ हमेशा अकेली पड़ जाती थी। वो एक सीधी सादी गांव की लड़की थी, उनकी सारी जिंदगी सिर्फ पूजा पाठ में ही गुजर गई। लेकिन मेरी माँ हमेशा से चाहती थी कि मेरी जिंदगी ऐसी ना हो, इसीलिए उन्होंने एक मन्नत मांगी कि उनका बेटा 101 शादियां अटेंड करेगा उसकी शादी से पहले। इसीलिए तुमने मुझे देखा मुफ्त का खाना खाने के लिए आते हुए, और उनका ये भरोसा था कि मैं भी अपनी लड़की को उस दौरान मिलूंगा। ये सब एक अंधविश्वास था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरी माँ की मन्नत अब पूरी हो गई है। अरे तुम उसके बारे में फिक्र मत करो, तुम्हारा ऑर्फनेज का सारे सिस्टर्स और बच्चे आज इधर मौजूद है। लेकिन क्योंकि हमारी शादी चर्च में नहीं हो रहा है, इसलिए कोई प्रीस्ट नहीं है, और वैसे भी दावत तो हम किसी भी रिलीजन की शादी में कर सकते हैं। अरे आप अभी भी इधर खड़े हो? दावत शुरू हो गई है, खाना नहीं है क्या?
कुछ अंधविश्वास ऐसे होते हैं, अगर वो बेवजह हो तो भी जब हमारे अपने ही उसके लिए प्रार्थना करते हैं उसका नतीजा भी ऐसा ही कुछ होता है। खैर, हम तो खुश हैं, आपको क्या लगता है? तो फिर चलिए हम भी दावत खाते हैं, लेकिन पहले इन्विटेशन दिखाना, फिर जाना।